दिनांक 24 जनवरी 2009 को देवलाली में 6 ढाला प्रवचन क्रमांक 4 सुनिए। जय श्री ओम नमः सिद्धेश्वर नमो अरहंतालम नमो सिद्धालम नमो आयर्यालम नमो वज्रायालम नमो लोये सर्वसाहूलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान का शिव स्वरूप शिव का मंत्र योग समारी के। पंडित दौलत राम जी की यह अनुपम रचना छह ढाला शास्त्र है। इसमें पहली ढाल का अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। पहले दिन थोड़ी अपन ने चर्चा छह ढाला की विशेषताओं के बारे में की थी। छह ढाला नाम क्यों पड़ा इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए थी, वो पॉइंट छूट गया था, उसकी चर्चा अपन अभी करना चाहते हैं। बुंदेलखंड में या हिंदी भाषी में ढाल माने गाने की जो स्टाइल है हार, ऐसे पहले ऐसा कहते थे कि इसकी ढाल बताओ कैसी, मतलब ये लाइन कैसे गाई जाएगी। तो इसमें छह प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है और जिन्हें छह अलग अलग तरीकों से गाया जाता है, इसलिए इसका नाम छह ढाला है। हैं, असली कारण तो ये है, बाकी अध्यात्म में आप कोई भी उसका अर्थ करो वो आपकी स्वतंत्रता है। छह प्रकार की ढालें हैं। दूसरा जो अपन आध्यात्मिक अर्थ करें तो ढाल जो होता है वो सुरक्षा करने का एक अस्त्र होता है, एक तरफ तलवार और एक तरफ ढाल। तो तलवार जो है वो दूसरों पर आक्रमण करने के लिए होती है और ढाल जो है वो बचाने के लिए होती है। सामने ऐसा करते ना तब ये जैसा रखते हैं ढाल है। तो ये मोह शत्रु से आत्मा की रक्षा करने के लिए ढाल के समान है, इसलिए इसका नाम छह ढाला सार्थक है। बराबर। अद्भुत चीज है भैया, थोड़े में ही पूरा जैन धर्म इसमें शामिल हो जाता है। अभी अपन त्रेंच गति संबंधी दुखों की चर्चा करने वाले छंद नंबर समन लो 4, 5, 6, 7, 8 इनके आधार पर बात कर रहे थे। नौवें छंद में समझ लो अंतिम छंद है त्रेंच गति वाला, और फिर नरक गति में गमन का वर्णन है। इसमें देखो पेज नंबर 7 पर नौवें छंद में पढ़ते अपन, बध बंधन अधिक दुख घने कोटि जीव ते जात न भने अति संक्लेश भावते मर्यो घोर स्वभ्र सागर में पर्यो। बद बंधन आदिक दुख घने कोटि जीवते जात न भने। पहली चीज तो ये स्वीकार करेंगे, त्रेंच जो दिखते हैं गाय है बैल है बकरी है मुर्गा मुर्गी है पक्षी है कबूतर है, इस सबके अंदर भी भगवान आत्मा है। जैसे इस शरीर के संयोग में जानने देखने वाला और सुख दुख का अनुभव करने वाला आत्मा है, वैसे प्रत्येक जो प्राणी अरे जल में अग्नि में वायु में पृथ्वी में इसमें जब वनस्पति में इसमें जब आत्मा की सत्ता स्वीकार की गई है, ये गाय भैंस बेचारे तो प्रत्यक्ष में ही सुख दुख का वेदन करने वाले
जानने वाले समझने वाले देखे जाते। ये कुत्ते कितने ट्रेन हो जाते, सूंघ के पता कर लेते कि कौन अपराधी है, कहाँ लाश है, कहाँ क्या है। एक बार हम गए थे तो टोरंटो में वो एयरपोर्ट पे कुत्तों से सुंघवाते थे माल। अब कुछ होगा वो समझ लो अपना भारतीय खाना, तो उसको गंदा भी तो बार बार सूंघे तो पूछेंगे इसमें क्या है। समझ में आया, कुत्ते हैं, घोड़े हैं, अनेक संगी पंचेंद्री सब जो है ट्रेंड हो जाते हैं। तो जागर चेतना नहीं होती, समझ नहीं होती, तो वो कैसे ट्रेंड होते। हाथी को जो हमने पंच कल्याण को में हाथी वाले जो है वो उसको नाम लेके बुलाते लक्ष्मी। मैंने कहा गजब है यार, वो बराबर उसका रिस्पांस देता है, जरा सा इशारा मात्र करे तो पांव उठा लेगा, खड़ा हो जाएगा, बैठ जाएगा। कहने का आशय ये है कि इनके शरीर के संयोग में भी ज्ञान आनंद स्वभावी भगवान आत्मा, जैसा अपन अपने लिए कहते ना सकल निरावरण प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अखंड एक अविनश्वर है, ऐसा चैतन्य आनंद ज्ञान घन स्वरूप परमात्मा शेर के आत्मा में भी वो था कि नहीं था। तभी तो उसने उसको देख करके सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया। और जैसे अपन अपने स्वरूप को भूलकर दुखी हो रहे हैं, वैसे ये त्रेन चादी प्राणी ये तो अपने से भी ज्यादा तीव्र दुख है। देखो एक एक विचित्र बात मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना। एक स्वर्ग में मिथ्या दृष्टि है, हाँ, एक मिथ्या दृष्टि नरक में, एक मिथ्या दृष्टि त्रेंच में, एक मिथ्या दृष्टि निगोद में, कौन ज्यादा दुखी। सिद्धांत से देखो तो अनंतान बंदी और मिथ्यात्व का उदय होने से सब जीवों को अनंत दुख है। समझ में आया, लेकिन उस अनंत दुख में भी पुण्य पाप के उदय के निमित्त से मंदता तीव्रता का फर्क पड़ता है। जो निगोद में है तो बताया था ना, निगोद में भी एक इंद्री जीव है वो भी मिथ्या दृष्टि है, और नौवें गृहस्थ में एक इंद्री देव है, पंचेंद्री संगनी देव है, वो भी मिथ्या दृष्टि है। दोनों अनंतानुबंधी दुख वाले हैं, अनंत कषाय वाले हैं, लेकिन लेश्या के कारण, समझ में आया, कृष्ण लेश्या कषाय की तीव्रता अति संकलेश परिणाम, उसके कारण निगोद में अनंत दुख में भी दुख की तीव्रता ज्यादा है। और जिसके पुण्य का उदय है, ठाट बाट है, देवगति में है, उसके अनंत दुख में भी दुख की मंदता है, अनंत दोनों है। बात समझ में आता, गणित थोड़ा ही है। अनंतानुबंधी अनंत स्वरूप दुख होने पर भी मंदता तीव्रता का फर्क पड़ता है। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि त्रिंज गति के दुखों का तो क्या कहना, बद बंधन आदिक दुख घने, बांध करके रखे गाय है, बैल है, कुत्ता है, घोड़ा इत्यादि है, बंधन में पड़ गए, कहीं अपनी मर्जी से जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, कितने घंटों वहां खड़ा रहना पड़े। समझ में आया, तो मान लो बैठने की सुविधा नहीं मिले तो उसको खड़े ही रहे बेचारे, मक्खी काटते हो, मच्छर काटते हो, सब तकलीफ होती। घने दुख है, बहुत दुख सहन किए, इसके अन्वयार्थ नहीं है ये सब। देखो इस त्रेंच गति में जीव ने अन्य भी बध याने मारा जाना, बंधन माने बांधना बंधना आदि अनेक दुख सहन किए, करोड़ों जीवों से भी नहीं कहे जा सकते। ऐसा लगता है अतिशयोक्ति करते हैं, बड़ा चढ़ा के कहते हैं, अरे जितने हैं उतने नहीं कहे जा सकते, दुख का कैसे वर्णन करें। अपन अपने को जो भोगा हुआ है उसका अपन वर्णन कर सकते, शरीर में रोग आ जाए तो कितनी तकलीफ हो रही, कोई बहुत दर्द हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है बताओ, तो कैसे बताएगा, नाप तोल के बताएगा है? तो बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द हो रहा है, यही तो कह सकता है। वो प्राणी बेचारा मूक वो तो इतना भी नहीं कह सकता, ऐसी दशा है। खाने पीने का ठिकाना नहीं, भूख प्यास तीव्र, लेकिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कोई उसका ठिकाना नहीं। उसमें भी कितने आखिर विचार करे तो ऐसा रोमांच हो जाए, अरे है करोड़ों जीवों से भी नहीं कहे जा सकते। मालिक ने बांध दिया, आया था ना बार बहन हिम आतप क्रास है, इसके पहले वाले में था ना,
आठवें छंद में छेदन वेदन भूख प्यास बार वहन हिम आतप त्रास बार लाद दिया। अब नहीं से नहीं चला जाता है तो और ऊपर से कोड़ा मारे, ठंडी हो कि गर्मी हो कुछ भी होवे। इसलिए अभी कई लोग ये बात कहने लगे पंचकल्याणक में हाथी वगैरह का प्रयोग करते हो तो नहीं करे तो क्या नुकसान है, समझ में आया? ऐसी कौन से उसमें विधि बिगड़ जाएगी कि क्या हुआ? ये तो सब भावनाओं का खेल है। बेचारे त्रेंच प्राणी पर अत्याचार करना, भाईंदर में हुआ था ऐसा। भाईंदर में पंचकल्याणक था, वो मई महीने में था है? और उसमें रोड गर्म हो जाती सब। अब आदमियों ने तो वो 10-10 रुपए वाली चप्पलें पहन ली, वो थोड़ी सी होती ना वो कपड़े टाइप की, वो वैसी शाकाहारी चप्पलें समझ लो। मनुष्यों ने तो अपना इंतजाम कर लिया और हाथी पे बैठे, हाथी क्या करे बेचारे, वो क्या पहनेगा? समझ में आया? उसका कोई इंतजाम नहीं, कितनी तकलीफ उसको उसी में डामल की गर्म रोड पर चलने में है। हाँ, बिठाओ तो और तकलीफ, बैठने में तकलीफ, इतना भारी शरीर, बैठने में तकलीफ, उठने में तकलीफ। तो किसी ने मेरे को बोला था तो हमारी राय में तो नहीं होना चाहिए, मगर यहाँ तो ये तो जनमत बने, सब आदमी मिलकर के कहें, बड़े बड़े लोग बसंत भाई कहें तो हो सकता है। पावर है वो, भाई जी को कह सकते, समझ में आया? इसमें क्या है अपना? कोई दूसरा उसका उपाय रास्ता निकाला जा सकता? दया, दया का परिणाम होवे, लेकिन अपने दूसरे जगह परिणाम मगन रहता है तो उस तरफ ख्याल ही नहीं जाता है जी। कभी हाथी पागल हो जावे, अंकुश से उसको मारे, बताओ अंकुश, अरे राम राम, उसके शरीर में अंकुश डाले, जरा से सुई अपने को चुभे तो कितनी पीड़ा होती। हिम्मतनगर में पागल हो गया था, ऐसे धामपुर में पागल हो गया था, दो जगह ऐसा है। अपन सोचते पागल हो गए, वो अपने को परेशान करता, वो खुद कितना परेशान है। ऐसे दुख इस जीव ने स्वयं सहे हैं भैया, अनंत दुख जो है अपन ने, बद्ध बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीव इतने, करोड़ों जीव हैं एक साथ उसका वर्णन करना चाहे, यूं समझ लो या तो सिद्धों के सुख का वर्णन करने में जीवें असमर्थ रहती हैं, है ना, और या त्रेंचों के दुखों का वर्णन करने में असमर्थ रहती। दो चीजों का वर्णन असंभव है, कोटि जीवते जात न बने, तो ये नहीं जा सकते। ऐसा संकलेश रूप दुख रूप परिणाम, फिर उसमें और पाप का बंध करे संकलेश। कोई त्रेंच समझ लो पूर्व का संस्कार होवे तो कषाय मंद भी रखे, सभी प्रकार के होते हैं त्रेंच गति में भी मिश्र परिणाम होते हैं। किसी के मंद कषाय भी हो गए, किसी के संकलेश हो गए, कभी संकलेश हो गए कभी मंद हो गए, जुदी जुदी योग्यता है परिणामों की। और देखो अति संकलेश, संकलेश माने बहुत क्लिष्ट, बहुत तीव्र दुख वाले, ऐसा है बहुत बुरे परिणामों से मरा और मरकर घोर स्वब्र सागर में पड़े, स्वब्र सागर नरक रूपी समुद्र में जा गए, किसी ने पटक दिया हो जैसे ऐसे गिरा। नरक की भी कल्पना, त्रेंच के तो साक्षात दिखते हैं, नरक की बात तो आगम से जानी जाती, ज्ञानार्णव में बहुत है। ज्ञानार्णव शास्त्र में नरक गति के दुखों का थोड़ा जीवंत वर्णन, और बाकी तिलोय परिणति वगैरह ग्रंथ में होगा, अपने को उतना ज्यादा मालूम नहीं है। ऐसा पढ़ा मैंने ज्ञानार्णव, बहुत साल पहले स्वाध्याय किया था, शायद सोनगढ़ में या जबलपुर में कहीं किया होगा। जितनी ऊंची अवगाहना है शरीर की उतना ऊंचा तो उछले, जैसे गेंद जोर से पटकते हैं तो उसके रिएक्शन में वो उतनी तेजी से ऊपर वापस आती है, ऐसा कई बार वो शरीर उसका उछलता है। मतलब उछलने का अर्थ है कि अब एकदम से अंतर्मुहूर्त में वैक्रिक शरीर बना, अब वो परमाणु उधर की भूमि के एडजस्ट करने लायक तो होने चाहिए, उधर के गर्मी के सर्दी के जो भी उधर का वातावरण है, हवा जैसी है, वहां की भूमि की दुर्गंध है, वहां का पानी है, जो पानी तो क्या है माटी है, उसके अनुसार ये परमाणु का मेल खाना चाहिए ना है? अपन को एकदम से बहुत यहाँ से अभी मान लो जहाँ दिल्ली दिल्ली में बहुत ठंड पड़ती है वहां चले जाए ट्रेन से तो रातों ही रात में जुकाम हो जाता है, समझ में आया ना, पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया कैसे हो गया।
जल्दी शरीर वो है एडजस्ट नहीं कर पाता, इसलिए शरीर पहले तो उछलता है, करंट लगे बिजली का, फेंकने वाली बिजली होती ना, एसी डीसी बोलते ना अलग अलग टाइप की, फेंकने वाली जो हो जोर से फेंक दे, इसमें नंगे तार पे हाथ लगे ऐसा हजारों लाखों पावर का करंट लगे जैसे, ऐसे तो शरीर उछलता है। फिर बाद में जब थोड़ा बहुत एडजस्ट होता होगा, फिर उस भूमि पर रहता हो, जहां जहां समझ लो स्थिर हुआ और आ गए चारों तरफ से नार की भाला लेकर के, बर्छी लेकर के, वहां भी अगर 1:47 पहुंच गई होगी है आदमी हथियार, वहां तो जरूरत ही है, नार की स्वयं हथियार बन जाते हैं। कोई वहां फैक्ट्री होती हो बर्छी भालों की, छुरी तमंचे की, ऐसा नहीं है, फैक्ट्री नहीं खुली है, नार की ही स्वयं अपनी विक्रिया से हथियार बन जाते। वो नदी कहते हो, नदी है ना, वो कौन सी नदी कहलाती है, वैतरणी वो स्वयं नदी बन जाते। आएगा आगे सेमर तरु दल जुत असी पत्र, तो कोई कोई पत्ते लगे होते और उनके पत्ते करते, ऐसा नहीं है, वनस्पति काय नहीं होती है, नार की बन जाते सब विक्रिया से। ऐसा तमाशा है भाई, कड़ाई में समझ लो तेल खोलाते हैं, फिर उसमें डालते हैं मांस, भक्तियों को जबरदस्ती मांस खिलाते, तो मांस कहां से आता होगा, कोई पशु है क्या उधर कटने के लिए है सब विक्रिया का खेल है सर, ये दुख होता है भयंकर। हे प्रभु, अरे ऐसे दुखों से बचना होगा तो भाई चांस बहुत, वास्तव में देखा जाए तो ये चांस लेने लायक है, चूकने लायक नहीं। चांस लेने लायक का मतलब है कि आप धंधा व्यापार सब छोड़ दें, ऐसा नहीं है, दृष्टि बदलना चाहिए। पहले दृष्टि बदलने के लिए सिद्धाएं और सत्संग हो, साधन में चर्चा हो गए, समय का एक एक सेकंड का मूल्य होना चाहिए, वैल्यू। कितना समय तो दूसरों की निंदा में, दूसरों की प्रशंसा में, व्यर्थ के राग द्वेष में, जिससे अपना कोई लेना देना नहीं, सरकारी निंदा प्रशंसा में, राजनीति की निंदा प्रशंसा में, समझ में आया, और तुम्हारे विषय कषाय में ये आजकल ये जो है, कितना समय तो उसमें बर्बाद किया, उतना ही बचा ले रहे, दूसरों की निंदा प्रशंसा और फालतू का जो समय है उतना ही बचा ले रहे, तो आत्महित के लिए बहुत, समझ में आया। कोई 24 घंटा तो भैया मुनियों का भी उपयोग ध्यान में नहीं रहता है, वो ध्यान से च्युत होते हैं तो अध्ययन में आते हैं, अध्ययन में भी उपयोग नहीं लगाता, तो प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है, आलोचना है, पाठ है, स्वाध्याय है, वो भी सत्संग में रहते, मुनि मुनि के संग में रहते, समझ में आया। हमने सोचा कि नौकरी धंधा छोड़ दिए, देवलाली में आके रहेगा तो 24 घंटा आत्मा में लीन रहेंगे, ऐसी भूमिका नहीं है। यहाँ तो सत्संग का अच्छा माध्यम है। आज मैंने अपने एक मित्र को फोन किया था अशोक नगर, वो कोई दूसरी जगह फ्लैट लेने का उसका विचार है, जयपुर में था तो जयपुर से निकालना था, दूसरी जगह गांव का नाम बताया था, यहाँ खेना अच्छा नहीं। मैंने कहा तू एक बार उधर 8 दिन रह, एक बार इधर आके 8 दिन रह, समझने आ, प्रत्यक्ष समागम जो है स्वाध्याय का वो ज्यादा लाभदायक होता है। सीढ़ी तो सब जगह है ही, उसमें तो क्या कमी देखो भावार्थ, इस जीव ने त्रेंच गति में मारा जाना, बंधना आदि अनेक दुख सहन किए, जो करोड़ों जीवों से भी नहीं कहे जा सकते, और अंत में दुख सहन करे तो आर्त ध्यान में मरेगा, दुखी होकर के, दुखी होकर के, दुखी होकर के मरेगा, विचार भी करता होगा। ये तो संगी पंचेंद्री त्रेंचों की बात है, बेचारे असंगनी है, मक्खी है, मच्छर है, डांस है, टिड्डी है, चीटी है, कीड़े हैं, ये तो विचार भी नहीं कर सकते, इनके तो मन नहीं है, सोचते होंगे कि हमने क्या पाप किए, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या इस दुख का कभी अंत भी हो सकता है, और कोई त्रेंच के ऐसी होनहार हो गए उसको कोई संबोधन करने वाला मिल जावे। कई त्रेंचों का ना मुनिराज मिल गए, हाथी को, पार्श्वनाथ भगवान के जीव को हाथी की पर्याय में है, अरविंद राजा था जी, वो मुनि हो गए थे, उनके इसमें ये था हाथी, तो राजा तो मुनि हो गए थे और ये मर के ये जीव हाथी हो गया, त्रिलोक मंडन नाम था उसका,
और अरविंद राज पागल हो गया बिल्कुल गर्मी के, उसको तो एक तो काम वेदना, हाथी को स्पर्श निंदी की बहुत तीव्र वेदना होती, समझ में आया। अन्य पशुओं की अपेक्षा हाथी का उदाहरण दिया जाता है ना प्रवचन सार में, तो उदाहरण आया द्वेष के कारण दूसरी झूठी हथनी देख करके गड्ढे में गिर करके कई कारणों से वो बंधन में पड़ता है। गर्मी रहती शरीर में और भूख बहुत ज्यादा, तो पागल हो गया पूरा नगर को उखाड़ पछवाड़, सब सब जीव डर गए ये सब क्या हो गया। वहां गया अरविंद राजा मुनि बन के बैठे थे, उनको देखा अरे इनको तो मैंने कहीं देखा है, शांत मुद्रा बिल्कुल, चैतन्य का रस मानो शरीर के रोम रोम में से झरता हो, अंदर में अपूर्व शांति सहजता वीतरागता। और जो उसने मुनिराज को देखा उसके भी परिणाम शांत हो, मुनिराज ने उपदेश दिया समझ में आया और सम्यक दर्शन किया हाथी में, ऐसे उसका हुआ अपने जो आता है ना सुकौशल मुनिराज का, सुकौशल मुनिराज की माँ, वो सुकौशल मुनिराज हो गए थे राजकुमार थे तो या सेठ के लड़के थे तो मुनि बन गए, माँ को बहुत तकलीफ हुई संकलेश भाव से मरी और उसी वन में व्याघ्री हुई जहाँ पे सुकौशल मुनिराज और उनके पिता कीर्तिधर मुनिराज विचरण करते थे, वो ही वन में व्याघ्री हुई। दोनों पिता पुत्र ध्यान करते थे स्वरूप का, व्याघ्री ने देखा और पुत्र को देख करके उसकी क्रोधाग्नि भड़क दी। देखो तो परिणामों की विचित्रता, जिस पुत्र के मोह में जिसके वियोग में दुखी होकर प्राण त्यागे थे अभी उसके देख करके प्रेम नहीं जागा, वही बैठ जाए यहाँ इसकी सुरक्षा करें इसको कोई तकलीफ न होवे कोई दूसरे जानवर नहीं, ऐसा भी तो हो सकता था। पुत्र को देख के याद आ जाती थी कि मैं इसकी माँ थी और ये मेरा बेटा था पूर्व जन्म का, तो अभी इसकी मेरी ड्यूटी है इसकी सुरक्षा करना चाहिए मुझे, आहार वहार तो नहीं दे सकती थी लेकिन अन्य पशुओं से उसकी रक्षा तो कर सकती थी, वैसा परिणाम नहीं हुआ। देख करके क्रोधाग्नि भड़की, मैं रोती रही और ये चला गया, इसने मेरी एक नहीं सुनी, ऐसा याद आया उसे, जाति स्मरण ज्ञान हो गया और जाकर के उसके ऊपर भक्षण किया उसे। गजब है, अरे राम राम, अपने ही पुत्र का जिसके पीछे इतना दुख सहा और मर के त्रेंच हुई, उसने अपने पुत्र का ही भक्षण मुनि की अवस्था में। श्रेणिक राजा ने यशोधर मुनिराज के ऊपर कुत्ते छोड़े तो वे कुत्ते तो शांत हो गए, श्रेणिक राजा शांत नहीं हुए, ऐसे ये शांत नहीं हुई व्याघ्री और भक्षण किया तो उनके स्वरूप में ध्यान करके उपसर्ग केवली हो गए, मोक्ष हो गए। फिर उसके पति ने उसको समझाया बगल में, आश्चर्य की बात है कि पिता बैठे हैं बगल में, इधर बैठा है पुत्र, व्याघ्री आकर के पुत्र को खा रही है, पिता अपने ध्यान में ली, गजब हो गया, ऐसा कैसा व्यवहार है मुनियों का। पिता पुत्र तो अपन कहते हैं वो ही, उनकी दृष्टि में अब कोई पिता पुत्र है ही नहीं ना, वो तो सोच रहे होंगे देखो ये आनंद में लीन है तो अब भी अंतर मुहूर्त में ही सिद्ध होने वाला है, मैं तो यहीं रह जाऊंगा और ये सिद्ध हो जाएगा, ऐसा विचार करते होंगे उनके पिता सुकौशल मुनिराज के। और फिर बाद में जब उसने भक्षण कर लिया तो उसने संबोधन किया, तुम जानती हो तुमने जिसका भक्षण किया वो कौन था। तो उसको भी संबोधन मिल गया। ऐसे कोई कोई त्रेंच को आप प्रथमान योग पढ़ो, अध्यात्म का रस चढ़ने के बाद में अगर प्रथमान योग पढ़ा जावे विशेष आनंदकारी होता है। एक एक घटना में से आप क्रमबद्ध पर्याय होनहार वस्तु स्वरूप की स्वाधीनता परिणामों की स्वतंत्रता सब निकाल, पूरा आपको समय सार द्रव्यान योग, ये द्रव्यान योग की ही तो घटनाएं उसमें दी गई हैं सब वस्तु स्वरूप की, समझ में आया। कर्म सिद्धांत चरणान योग भी उसमें निकलता है, चरणान योग भी निकलता है, तीनों अनियोगों को महापुरुषों के जीवन की घटनाओं के माध्यम से बताना उसका नाम प्रथमान योग है। कैसे खाते थे, कैसे रहते थे, क्या भक्षण किया, कैसे प्रणाम किए, तो कैसी आयु बंधी, कैसा संयोग मिला, है कि नहीं ये सब है। तो देखो आर्त ध्यान से मरा, इतने बुरे परिणामों से मरा
कि जिसे बड़ी कठिनता से पार किया जा सके, ऐसे समुद्र समान घोर नरक में पहुंच गए। अब कोई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था तो कहीं नहीं। समय के पहले मरने की और मरने के समय पर बच जाने की इस दुनिया में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे मनुष्य गति हो, चाहे त्रिंच गति हो, मनुष्य त्रिंच में अकाल मृत्यु का विधान है ना, कर्म भूमि के मनुष्य और त्रिंचों में अकाल मृत्यु की व्यवस्था है। इन जो भी आ जा रहे तो उसको रोक नहीं सके, समझ में आया। कोई बस गिर जाती है, अभी कहा बेलगांव में हुआ ना, बेलगांव का सुना, एक पुल जो बन रहा था, मतलब अभी चालू नहीं हुआ था, काम चालू था, तो भी लोग जबरदस्ती उस पे से जाते थे, बाईपास से नहीं जाते थे, जल्दी जाना। बह गया, गिर गया, 30 आदमी तो ऑन दी स्पॉट मर गए, परसों की बात है। अकाल मृत्यु है, वो सब स्वकाल में होती है, जिसकी आ जाती है वही गया पुल पे, समझ में आया। ऐसा है भाई, और कितने घायल हो गए, कितने अस्पताल में जाके मरे। अरे प्रभु, समय से मरना सबको एक दिन अपनी अपनी वार, वार माने अपना रविवार, सोमवार, मंगलवार, वार माने क्रम। जब जिसका क्रम आ जावे तब गारंटी से उसकी आयु का वियोग होता है, चाहे बाहर में भी कोई निमित्त बने, जहर का, एक्सीडेंट का, भूकंप का, जिसको अपन अकाल मृत्यु कहते हैं, वो भी स्वकाल में होती, चाहे कुदरती मृत्यु होवे। अब नरक में चला गया, सागरों पर्यंत की आयु होती, पहले नरक की आयु कम से कम 10,000 वर्ष है, मिनिमम 10,000 वर्ष है। बोलो आप, पहले नरक की जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। जघन्य लेके तो कौन जाता होगा, अच्छी लेके जाते होंगे, परिणाम जैसे करते हैं वैसे। घोर स्वप्न सागर में पड़े, अब वहीं रहना आराम से, वहां की गर्मी, वहां की सर्दी जैसा वातावरण है, आएगा दो छंदों में है नरक गति के दुखों का वर्णन, बहुत संक्षेप में किया है। विस्तार से जानना हो तो अन्य ग्रंथों में देखना, अपने को उस स्थिति में रख के सोचो, ये चार गति के दुख का वर्णन का क्या मतलब है। अपने को आप अपनी कल्पना में उस पोजीशन में रख के सोचिए, हम बैल बने हैं, हमारे ऊपर बोझा लादा जा रहा है, समझ में आया, अथवा हम सिंह बने हैं, हमको सर्कस में उसमें बंद करके रख दिया है, कैसे लगता हो। नरक में है अपना आत्मा और वहां पर नार की शरीर, वैसा वातावरण, सब प्रकार का दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा देखो दसवां छंद है, कहां भूमि पर सत दुख इसो, इच्छु सहस डसे नहीं तिसो, कहा राग श्रोणी तवाहिनी, क्रमी कुल कलित देह दाहिनी। जब पहले ही टचिंग हो गए उस भूमि की, वो हजारों बिच्छुओं ने डंक मारा, जैसा बिल्ली का करंट बताया ना अभी, हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो गए तो उछले शरीर से, सहन नहीं कर सकते। सहन करे चाहे नहीं करे भाई, अब मरने की व्यवस्था तो है नहीं कि आत्मघात कर लेवे, आत्महत्या कर लेवे, वो इंतजाम नहीं। कहां उस नरक में भूमि परसत, धरती स्पर्श करने से ऐसा दुख होता है कि हजारों बिच्छू डंक मारें तो भी उस समझ लो उसके समान दुख नहीं होता, उससे ज्यादा होता है। बिच्छू सहस डसे नहीं पिसो, मतलब देखो स्टाइल देखो, हजारों बिच्छुओं के डंक लगने पर भी जैसा दुख ना होवे वैसा दुख उसमें होता है, वहां की भूमि यानी उससे भी अनंत गुना ज्यादा, ये कहने का मतलब है। तथापि उसके समान दुख नहीं होता। वहां नरक में रक्त और मवाद बहाने वाली नदी, बैतरणी नदी है, कहां राज श्रोणित वाहिनी, कहने को तो नदी है कि क्या नदी, नार की विक्रिया से बन जाते हैं, ऐसा खून बह रहा है, पीप बह रही है, मवाद बह रहा, वहां जाके नार की को पटक दे, समझ में आया। वर्तमान में जिसके मांस भक्षण के, परिस्त्री सेवन के, जुआ खेलने के, शिकार खेलने वाला नरक में नहीं जाए तो कहां जाया है। तीव्र अर्थ परिणाम, तीव्र दुखदायक परिणाम, दूसरों को दुखी करने के परिणाम,
तो कुदरत में ऐसी व्यवस्था है कि वैसे परिणामों का फल तुझे संयोग में तो भोगना पड़ेगा। क्या कहा? संयोग तो वैसा आएगा आएगा और आएगा। अब वहां तेरी होनहार और तेरा पुरुषार्थ नरक में भी सम्यक दर्शन कर लिए, वो तो लाखों करोड़ों में से कोई एक को होता है। समझ में आया? ऐसे को नरक के भरोसे बैठ सकते हैं? हम नरक में जाएंगे वहां कर क्यों भाई साहब, यहाँ क्या तकलीफ है? जो करने लायक काम है इससे बढ़िया उत्तम अवसर ये मानुष पर्याय सुकुल सुनी वो जिन्हें वाणी ये विधि गए न मिले सुमन जो उदरी सम। इसी में चौथी डाल में इससे बढ़िया अवसर और कहाँ मिलेगा प्रभु? तुझे प्रभु करने कहने वाले प्रभु और कहाँ मिलेंगे बोलो? पामर कहने वाले, श्राप देने वाले, वरदान देने वाले, तेरा कल्याण हम कर देंगे, तू तो अपना जो कुछ है सब हमको समर्पण कर दे, गुरु के चरणों में सब कुछ रख दे, लाख दो लाख पचास लाख सारी जायदाद हमारी ट्रस्ट को दे दे, हम तेरे ऐसा आशीर्वाद देंगे, तेरे नाम की ऐसी पूजा कराएंगे स्पेशल है कि तुझे सीधे स्वर्ग ही मिलेगा भाई। ऐसी कितना पाखंड चला है दुनिया में और उसको मानने वाले सब श्रद्धा पूर्वक माने। हाँ, ज्यादा पैसा देगा और ज्यादा पैसा देके स्पेशल पूजा करा ली, फल हमको मिलेगा, पूजा दूसरा पंडित करेगा, ब्राह्मण पंडित दूसरा पूजा करेगा, वो फीस लेगा, फीस लेकर के पूजा करेगा, उसका फल हमको दिलाएगा। क्या दलाली? धर्म क्षेत्र ऐसा संभव है? जरा भी विचार करे विवेक से तो ऐसा लगेगा ये बिल्कुल ठग विद्या है, बिल्कुल नाटकबाजी है। कोई कहेगा शनिवार के दिन तेल चढ़ाना चाहिए, ये चढ़ाना चाहिए, ऐसा करना, कितना पाखंड है जगत में है। दर्शी तो इसी का नाम तो ग्रहित मिथ्यात्व है। देखो, राज श्रोणित रक्त और मवाद बहाने वाली नदी जो छोटे छोटे क्षुद्र कीड़ों से भरी है और देह दाहिनी, वो सोचे गए इसमें थोड़ा लिक्विड दिखता है, पानी सा दिखता है, तो यहाँ नई जगह दिखती तो यहाँ जाएंगे तो थोड़ा आराम मिलेगा और शरीर में दाह उत्पन्न हो, तिल तिल करें, अभी आएगा दो छंद बाद में शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए फिर मिल जाए। ऐसी मतलब मरण जितना कष्ट है प्रति समय, मरण नहीं है लेकिन मरण जितना कष्ट प्रति समय भगवान ने अपने ज्ञान में देखा है। गुरुदेव कहते सातवें नरक में ऐसी महासीत है कि उसका अनंतवा भाग भी उस सीत का अगर यहाँ आ जावे इस पृथ्वी पर तो योजनों सैकड़ों योजन के जीव उसमें मर जावे, इतनी भयंकर सीत। एक बार सोनगढ़ में ऐसे प्रवचन चलता था तो इस सीत का वर्णन आया गुरुदेव के व्याख्यान। हमारे जबलपुर के एक प्रोफेसर थे, वो बहुत रस लेते थे, जाते थे, बोले अचानक किसने देखी, चलते प्रवचन में ऐसा पूछा कि किसने देखी, तुरंत गुरुदेव को एक सेकंड नहीं लगा जवाब देने, भगवान ने देखी। अरे भगवान की वाणी पर भरोसा कर प्रभु, जो वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा है उन्हें किसी से राग द्वेष नहीं है तो वो पाखंड वाला धर्म क्यों बता रहे? तो रागी द्वेषी हो गए तो खोटा धर्म बता रहे? जिसकी परिणति में पूर्ण वीतराग का है वो धर्म क्यों बताएगा, गलत सलत बात क्यों करेगा? समझ में आया? तेरे बात तो वो वीतरागी ही कह सकते। और तीन लोग तीन काल झलकता है ज्ञान में तो तेरे हित के लिए वो बात सच्ची ही कह। भगवान की वाणी सच्ची होती है और अच्छी होती है, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं इसलिए उनकी वाणी सच्ची होती है, क्योंकि वे वीतराग हैं इसलिए उनकी वाणी अच्छी होती है। ख्याल में आया? इतना तो देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा कर, जबरदस्ती डराने की ऐसा परिणाम होता कि नहीं जीव का, वो जगह जाने लायक परिणाम जीव करते कि नहीं करते, बड़े मजे से बड़े शौक से मांस को भून के तल के, समझ में आया, स्वादिष्ट बना के खाना खिलाना, पार्टी करना, नाच गाना करना, रौद्र ध्यान विषयानंदी नरक का कारण है, आर्थ ध्यान मुख्यतया त्रेंच गति का कारण है। इसमें तो नरक भी लिखा है ना, अति संकलेश भाव से मरियो, त्रेंच मर के जाएगा नरक में तो संकलेश भाव से मर के जाएगा, और मनुष्य मर के नरक में जाएगा तो रौद्र ध्यान से मर के जाएगा, विषयों में आनंद में। ये तो मुख्यता की बात करता हूँ, सिद्धांत नहीं, मुख्यता गुणता की बात है। खूब मजा है बहुत।
लिखा ना बहु आरंभ परिग्रहतम नार का सायु सा सूत्र है अपना, क्या मतलब है इसका? बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह, पता नहीं कितनी संपत्ति है, बाहर से नहीं अंदर में मूर्छा गहरी। परिग्रह थोड़ा होवे लेकिन ममता बहुत घनी होवे ना तो बहुत परिग्रह है। समझ में आया? तो परिग्रह में आनंदित होना ये कौन सा ध्यान है? ये तो रौद्र ध्यान है ना, है तो रौद्र ध्यान वाला मर के नरक जाए। भावार्थ, उन नरकों की भूमि स्पर्श मात्र करने से नारकियों को इतनी वेदना होती है कि हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारें तब भी उतनी वेदना न हो। अल्लाह, इतनी ज्यादा वेदना कि बिच्छुओं का डंक भी फीका पड़ जावे उनके सामने। और उस नरक में रक्त मवाद और छोटे छोटे कीड़ों से भरी हुई शरीर में दाह उत्पन्न करने वाली एक वैतरणी नदी है, जिसमें शांति लाभ की इच्छा से नारकी जीव कूदते हैं, किंतु वहां तो उनकी पीड़ा अधिक भयंकर हो जाती है। देखो, हैं? जाए तो कुछ आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, राहत मिलेगी, इस कामना से जावे। जहां जाए वहां दुख, जहां जाए वहां कोई शरण नहीं। कौन बचाने आएगा बोलो? किसको पुकारे? अरे बचाओ बचाओ बचाओ, कौन बचाने आएगा? ऐसा है जीवों को दुख होने, ये बात ध्यान देने लायक, पोस्टर में लिखा ना कमेंट्स, जीवों को दुख होने का मूल कारण तो उनकी शरीर के साथ ममता तथा एकत्व बुद्धि ही है। धरती का स्पर्श आदि तो मात्र निमित्त कारण है, ऐसा है। इधर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, तो जो नारकी जीव दुखी होते थे तो सब वही बताएगा, पृथ्वी ऐसी है, भूमि खराब है, वातावरण खराब है, नारकी मारते हैं, ये सब। आप तो कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, है? अरे ऐसा तो संयोग है, तो वो संयोग में एकत्व बुद्धि करके कि मैं मेरे में ये सब हो रहा है, ऐसा अपना जीव और अजीव को जुदा नहीं जानता, उससे भिन्न अपने असंयोगी अतिंद्री ज्ञान आनंद घन चैतन स्वभाव उसको नहीं जानता है तो दुखी होता है। ये तो सामान्य कथन है भैया, संयोग की अपेक्षा व्यवहार नहीं से संयोग की भाषा में ये दुख का ज्ञान कराया। सिद्धांत के हिसाब से देखे तो सम्यक दृष्टि नार की और मिथ्या दृष्टि देव, अभी बोलो कौन दुखी? अभी तो चार मिथ्या दृष्टि लिए थे, अभी एक नार की सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि देव, नौवें गृहवेग वाला, कौन दुखी कौन सुखी है? नरक में रहने पर भी अनंतानबंदी और मिथ्यात्व का अभाव होने से स्वरूप का भान है, भेद विज्ञान है, दुख भी है लेकिन अनंतानुबंधी नहीं है, अनंत दुख नहीं है, अल्प दुख है। समझ में आया? है उस दुख में भी तीव्रता, नरक के वातावरण में होने से उस दुख में भी तीव्रता है, मगर वो अनंत बिना नहीं जाएगा, है? और मिथ्या दृष्टि मजे से नौवें गृहयोग में बैठा हुआ और वहां के सुख भोगता है, लेकिन देह में एकत्व बुद्धि है, संयोग में सुख बुद्धि है, तो मिथ्यात्व का उदय होने से वो जीव अनंत दुखी। ऐसा है भाई, जहां सम्यक दर्शन है वहां सुख है, सुख का मार्ग वहां प्रारंभ हो गया। मिथ्या दृष्टि चारों गतियों में दुखी है, हैं? जीवों को दुख का दुख होने का मूल कारण तो उनकी शरीर के साथ ममता तथा एकत्व बुद्धि ही है, धरती का स्पर्श आदि तो मात्र निमित्त कारण है। अब आप देखो, वही नरक में सम्यक दृष्टि, सातवें नरक में, वही नरक में मिथ्या दृष्टि। गुरुदेव कहते ना सातवें नरक में भी कितना असंख्यात बोलते, कितने बोलते है सम्यक दृष्टि जीव है। समझ में आया? तो जो सम्यक दृष्टि है उसके लिए भी वही वातावरण, लेकिन उसको भेद विज्ञान है, कैसे जीव सातवें नरक जाता होगा और फिर वहां सम्यक कैसे कर लेता होगा, क्या लेके जाता होगा साथ में, है? समझ में आया? संस्कार लेके जावे, लेकिन पहले मान लो किसी को पहले साथ आयुष बंध गई और फिर अपकर्षण नहीं हो पाया, समझ में आया? और थोड़ा बहुत को जैसा समागम मिला लेकिन उस कर्म प्रकृति का अपकर्षण नहीं हो पाया, तो जाए तो सातवें में ही जाए,
श्रेणिक ने भी बांध ली थी सातवें नरक की आयु, लेकिन वो उसका डिमोशन हो गया, नरक का पावर घट गया, सातवें का पहले में चला गया। मैं तो उस जीव के परिस्थितियों पर विचार करना चाहता हूं जो जन्मे उधर सातवें नरक में और सम्यक दर्शन प्रकट कर ले। कौन सा ऐसा संस्कार उसके वासना में, परिणामों में, उसके परिणामों की धारा में रह गया होगा। गुरुदेव इसकी व्याख्या करते हैं कि पात्र जीव ऐसा चिंतन करते हैं, अरे इतना दुख, ये दुख मेरे में कैसे हो सकता है, आखिर ये अनंत दुख आया कहां से। ऐसी थोड़ी सी भी अगर चिंतन धारा उसकी चल जाए वो दुख के काल में, तो पूर्व का संस्कार याद आ जाए। मैंने भगवान की वाणी सुनी थी पर उसका उस समय श्रद्धा नहीं करी, उसका विरोध किया, लेकिन बात सच्ची है कि दुख तो मेरा स्वरूप हो ही नहीं सकता, समझ में आया। और क्यों, वेदना भी निमित्त है ना, सम्यक्त में वेदना को निमित्त कहा है, जाति स्मरण को निमित्त कहा है, वेदना को निमित्त कहा है, तो वेदना सम्यक्त में कैसे निमित्त हो सकती है। अपने तो उसमें रहस्यपूर्ण चिट्ठी चल दी है ना, उसमें तो आया था कि पहले तत्व विचार होता है, स्वपर के भिन्नता का विचार होता है, फिर आत्मा का विचार होता है, रोमांच हो जाता है, फिर परिणाम स्वरूप में मगन हो जाते हैं, फिर बाद में उसको समकित उस काल में होता है। ये एक सामान्य कथन है, वेदना से उपाड़ करके फिर भेद विज्ञान का विचार करता है। आया समझ में, भेद ज्ञान के विचार तो नियम से होते ही हैं, सम्यक्त के पहले, अनुभूति के पहले, निर्विकल्प अनुभूति के पहले भेद ज्ञान के विचार होते हैं, लेकिन उसको वो भेद ज्ञान की धारा कहां से आई नरक में, वो वेदना उसको कारण बन जाती, निमित्त कारण। और मिथ्या दृष्टि को वही वेदना दुखी 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 में ही कारण बनती। ये बहुत अच्छा कमेंट्स है, धरती का स्पर्श आदि तो मात्र निमित्त कारण है, दुख का कारण तो शरीर के प्रति ममता, एकत्व बुद्धि, संयोग मुझे दुखदायक है, ऐसी कल्पना में और दुखी होता रहता है। एक तो निमित्त भी दुख प्रदान है और उसका श्रद्धान भी दुख का कारण है। इस तरह ये 10 छंद हुए, 11वें और उससे आगे के छंदों की चर्चा अपन कल करेंगे, अभी का समय हो गया।